8. मनीजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर तत्काल में अथर्व की टिकट लेने की कोशिश में था। वहीं अथर्व अपने बीते दिनों की स्टोरी एज अ कन्फेशन श्रेया को बताने की कोशिश कर रहा था। उधर अपने घर पे सुहानी सोने की कोशिश कर रही थी। हम तीनों की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। सुहानी की खिड़की पर बार बार ठप ठप की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खिड़की पर कोई पत्थर मार रहा हो। हवा भी इतनी तेज चल रही थी कि खिड़की के कोने से अंदर आती हवा फू का साउंड कर रही थी। सुहानी इतने से ही बुरी तरह डरी हुई थी। उसने मुझे कॉल किया तो मेरा नंबर स्विच ऑफ मिला। फिर उसने अथर्व को कॉल किया तो उसका नंबर बिजी जा रहा था। तभी अचानक उसका दरवाजा भी नॉक हुआ। वो बुक्का फाड़ के चिल्लाई, मम्मी आ आ, चिल्ला क्यों रही है, डरा दिया मुझे। सुहानी ने तुरंत लाइट ऑन की। गुंजा आंटी तुरंत उसके पास आई और उसे हक कर लिया। सुहानी भी किसी खरगोश की तरह उसकी गोद में घुस गई। मामा, पता है बाहर से कोई विंडो पर पत्थर फेंक रहा है। इतना कहने की ही देर थी कि फिर से खिड़की पर पत्थर गिरने की आवाज आई। हट, जरा मुझे देखने दे। सुहू हट ना। नहीं नहीं मामा, कोई है उधर, आप मत जाओ। अरे कौन होगा, एक मिनट, ये क्या है? गुंजा आंटी को रबर के शू कवर दिख गए। कपड़े और जूते पहनना तो मुझे याद आ रहा था, पर शू कवर लगाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, इसलिए मैं उन्हें पहनना भूल गया। बोल ना, ये क्या है रबर का, अजीब सा। सुहानी पहले भूत से डरी हुई थी, अब झूठ से डरने लगी। क्या बोले, क्या बताएं? वो ये वो है शू कवर। बारिश बहुत हो रही है ना, तो मैंने पार्थिव यहाँ आया था। वो यहाँ कैसे, इम्पॉसिबल है ना? सच सच बोल, अगर तेरे पापा को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। नहीं मम्मी, सच में। फिर किसी ने खिड़की पर पत्थर फेंका। गुंजा आंटी सनक गई, उन्होंने तुरंत खिड़की खोली। अचानक ठंडी हवा अंदर आने लगी। इधर आ, देख अपने भूत को। सुहानी डर गई, उसे लगा कहीं मैं नीचे तो नहीं खड़ा था। वो डरते डरते पास आई, खिड़की से नीचे झांका। वो ओले गिर रहे हैं। हाँ देख कैसे आधी गली वाइट हो गई है। तभी एक ओला गुंजा आंटी के मुंह पर आकर लगा। आ, आ, मर गई। सुहानी ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मामा ठीक हो, बहुत तेज लग गई। आ, आ, हाँ, लगता है स्वेलिंग हो जाएगी। ओ नो, मैं आइस ले आऊं? आंटी ने सुहानी को घूर के देखा। बर्फ से ही उनका मुंह मोटा हुआ था, अब बर्फ लगाने से ही सूजन ठीक करनी थी। नहीं, बैठ यहीं और मेरी बात ध्यान से सुन। सुहानी को लगा था कि उसने टॉपिक चेंज करके मम्मी का ध्यान डाइवर्ट कर दिया है, पर बेटी की माँ इतनी आसानी से थोड़ी झांसे में आती। सुहानी मुंह नीचे करके सामने बैठ गई। देख मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुझे पार्थिव पसंद है, और मैं सच कहूँ तो मैं जानती हूँ कि पार्थिव बुरा लड़का नहीं है। फिर आप सब उसे इतनी हेट क्यों करते हो? क्योंकि वो फॉल्स एंट्री लेता है। देख बेटा, मैं समझती हूँ कि दुनिया बदल गई है, अब तुम लोग वो क्या होता है, वो अपनी वेब स्टोरीज, वेब सीरीज, हाँ वही, वो सब देखकर लिव इन में रहना, शादी से पहले सब कुछ कर लेना, ये सब तुम लोग बहुत कॉमन समझते हो। पर बेटा हमारे बारे में तो सोचो, हम कैसे ये सब डाइजेस्ट कर सकते हैं? पार्थिव ही नहीं, अजय भी होता या कोई भी लड़का होता, अगर वो ऐसे चोरी छुपे घर में घुसता तो क्या हमें अच्छा लगता? सुहानी कुछ ना बोली, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गुंजा आंटी उसके बाल सहलाने लगी। तू तो अपने पापा को जानती है ना, उन्हें पर्सनैलिटी और पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता। उनको लगता है कि जो लड़का 1,00,000 रुपया कमाता हो और दिखने में जॉन इब्राहिम लगता हो, वो ही बेस्ट लड़का है। फिर चाहे वो कितना ही रूड हो, मिसबिहेविंग हो या इंसल्टिंग हो। वो मैं पापा को कैसे कन्विंस करूं कि वो पार्थिव के लिए मान जाए? संडे को उनके लिए ब्रेकफास्ट बना, फिर ट्राई कर।
अच्छे से रिक्वेस्ट करना। फिर वो मान जाएंगे? नहीं, मानेंगे तो फिर भी नहीं। क्या मम्मा, जब मानेंगे नहीं तो क्यों मेहनत करवा रहे हो? कि वो जान सके कि पार्थिव तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम लोग कितने सीरियस हो। ये क्या बात हुई, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सब? आपने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, फिर मुझे क्यों नहीं करने देते? ओ हेलो, अगर मुझे अपनी पसंद से शादी करनी होती तो इनसे करती। ये तो मेरे पापा की पसंद थे। ओ, और आपको कौन पसंद था? मुझे तो अमिताभ। What? अमिताभ बच्चन, मैं बहुत बड़ी फैन थी उनकी। सुहानी ने अपनी मम्मी का मुंह देखा, वो इधर उधर देखने लगी। मम्मी, यू नो ना, अथर्व के पापा का नाम भी अमिताभ है। अच्छा, मुझे कैसे पता होगा? देख, तू बात को इधर उधर मत ले जा। अगर पार्थिव से ही शादी करना चाहती है तो मैं जो कह रही हूँ वो कर। क्या करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको मना कर कि वो अब ऐसे घर में फॉल्स एंट्री लेना बंद करे। सेकंड, तू संडे को पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना, उनको कन्विंस कर। पर आप तो बोले कि वो नहीं मानेंगे। सच बोल रही हूँ, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर तू फ्यूचर में कोई ऐसा स्टेप उठाती है जो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाता हो, तो उन्हें कम से कम रियलाइज तो होगा कि तूने क्यों किया ये सब, तू कितनी सीरियस थी अपनी चॉइस के लिए। सुहानी सर खुजाने लगी, वो सोचने लगी कि ऐसा कौन सा स्टेप हो सकता था जो उसके पापा की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होता। गुंजा आंटी को हमेशा घुमा फिरा के बात करने की आदत थी, शायद इसी वजह से मेरी मम्मी राजेश्वरी उनसे व्हाट्सएप पर ज्यादा बात करती थी और सामने कम। ओह नो, आप सजेस्ट कर रहे हो कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं? नहीं, मैं क्यों ऐसा फालतू सजेशन दूंगी। बट इन केस तुम दोनों को ऐसा लगा कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, तो इन दैट केस। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मम्मी आखिर चाहती क्या थी, पर वो इतनी श्योर हो गई थी कि चाहे कुछ हो जाए उसकी मम्मी उसे सपोर्ट करना बंद नहीं करेगी। अथर्व की ट्रेन अनाउंस हो चुकी थी। श्रेया कंटिन्यूसली बंदर के बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई थी। मैं चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब ले चुका था। Try to come back as soon as possible. हाँ श्रेया, बिल्कुल, of course. मैं मामू को यहीं ले आता हूँ। And promise me कि तुम अब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। Not because मुझे पसंद नहीं, but also it is not good for your health. तुम आ जाओ, हम मिलके मैनेज कर लेंगे। अथर ने फुल ड्रामेटिक फेस बनाते हुए श्रेया को प्रॉमिस किया, पर मैं जानता था कि साले को ट्रेन में भी कोई बढ़िया सी लड़की मिल गई तो ये पिघल जाएगा। वो अलग बात थी कि इसका अली बाबा भी पिघला ही हुआ था, वो स्टैंड नहीं हो पा रहा था, पर कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी की जाए एट द एंड टेढ़ी ही रहती थी। ट्रेन आ गई और हमारे साथ साथ अच्छी खासी भीड़ भी आ गई। ठीक है, तुम दोनों निकलो, यहाँ ट्रेन बस 2 मिनट के लिए रुकेगी। जब ये ट्रेन न्यू दिल्ली भी जाती है तो तू डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं गया? अबे क्योंकि वहाँ पे इतना क्राउड होता है ना कि टिकट लेने में ही 2 घंटे लग जाते और फिर चढ़ने में भी दिक्कत होती वहाँ पे। मैं अथर्व के लॉजिक से ज़्यादा कन्विंस तो नहीं हुआ, सोचा 2 मिनट का मेहमान है ये, क्यों ही इससे बहस करनी। 2 मिनट बाद ही ट्रेन चली गई और हम हाथ हिलाते रह गए। मैं और श्रेया वापस पार्किंग में खड़ी कार में आकर बैठ गए। यार, I have a severe headache. थोड़ी देर बाद चलें? तेरी मर्जी, वैसे भी 4 बज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर सो जाते हैं, इस टाइम घर पहुंचेंगे तो घर वाले पंगा कर देंगे। वो ठीक है, बट कार में नहीं सो सकते, किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो बेकार में परेशान करेगा। ओके, सो नहीं सोते। श्रेया स्टेयरिंग पकड़ कर कुछ सोचने लगी। कहीं रूम ले लें, सुबह 11 बजे तक चेकआउट कर देंगे। रूम शब्द सुनते ही मेरी हार्ट बीट मुंह को आने लगी। मुझे वो पार्टी याद आ गई जब श्रेया और मैं एक रूम में सो रहे थे और श्रेया की फ्रेंड पिंकी ने हमारी फोटो खींचकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वो अलग बात थी कि सुहानी को मुझ पर ट्रस्ट था और अथर तो साला खुद ही रात को राधिका के साथ पकड़ा गया था।
क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? कंफर्टेबल नहीं है? तेरे साथ कंफर्टेबल तो मैं कॉलेज टाइम से ही नहीं हूँ, बट मेरे कंफर्ट से क्या होता है? तू बता, तू कंफर्टेबल है मेरे साथ? आई जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, मेरा सर दर्द हो रहा है यार। चल फिर, यहाँ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। दो मिनट भी कार नहीं चली थी कि एक एवरेज सा होटल हमें दिख गया। निजामुद्दीन स्टेशन के पास जो होटल्स थे वो इतने चीप थे कि श्रेया ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन ये फिर भी कुछ ठीक लग रहा था। इसका नाम था होटल रॉयल इन। मैंने हिचकते हुए श्रेया से पूछा, श्रेया हम दो रूम्स लेंगे या एक? एक मारूंगी तेरे, क्या चल रहा है तेरे सड़े हुए ब्रेन में? नथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग कि Shut up यार, don't be a jerk। मैं आगे कुछ नहीं बोला। उसने एक ही रूम बुक किया, जो कि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इसी का टैरिफ 1800 रुपए इंक्लूडिंग GST था। रूम में घुसते ही मुझे तसल्ली हुई, यहाँ सिंगल सिंगल दो बेड्स थे, दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस था। ये ब्रेकअप कर चुके कपल्स के लिए रूम बनाया गया? Shut up। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जब तक तो खुद को बेहोश कर ले। उसको वॉशरूम में घुसे एक मिनट भी नहीं हुआ था कि अंदर से चिल्लाई, पार्थिव बेड पे टॉवल पड़ा है, दियो प्लीज। मुझे नाना पाटेकर और तबू की वो फिल्म याद आ गई, जिसमें तबू ऐसे ही नाना से साबुन मांगती है और फिर अंदर खींच लेती है। श्रेया ने तो फिर भी टॉवल मांगा है, क्या करूं?